आज हम लोग बात करेंगे निकोटिनामाइड के बारे में। ये एमाइड होता है निकोटिनिक एसिड का, और इसलिए इसे कहते हैं एमाइड। और इसे हम लोग यूज़ करते हैं बालों के ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या होता है और कैसे काम करता है? ये दरअसल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक मॉलिक्यूल है, और इसे विटामिन B3 भी कहते हैं। और ये बहुत सेफ़ होता है, इतना सेफ़ होता है कि इसे प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है। नॉर्मली ज़्यादातर मल्टी विटामिन में 20-30 मिलीग्राम होता है, लेकिन अगर हमें बालों के लिए या स्किन के लिए इसको थेरेपेटिक डोज में यूज़ करना हो तो 250 से 500 मिलीग्राम तक एमाइड हमें लेना पड़ता है। ये दरअसल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये सीबम के बनने को रोकता है। तो जो हमारे स्किन में ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, उन ऑयली ग्लैंड्स में जो लगातार ऑयल बनता रहता है, इसे हम सीबम कहते हैं। और अगर ये बनना कम हो जाए तो हमारी स्किन कम ऑयली होगी, फेस की भी और स्कैल्प की भी स्किन कम ऑयली होगी। तो जो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जो बैक्टीरिया पनपते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। और जब बैक्टीरिया यीस्ट कम पनपेंगे तो उसके अगेंस्ट जो इन्फ्लेमेशन स्कैल्प में होता रहता है वो भी कम होगा। और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हेयर रूट्स डिस्टर्ब होते हैं, हेयर बनाना बंद कर देते हैं, या हेयर फॉल शुरू हो जाता है, वो भी कम होगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये सीबम को कम करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये बैक्टीरिया और यीस्ट के कंसंट्रेशन को स्कैल्प में और स्किन में कम करता है, और इसकी वजह से हेल्दी हेयर्स की ग्रोथ फास्ट होती है और हेयर फॉल रुकता है। इसे हम लोग फेस में भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, पिंपल्स के लिए भी ये काम करता है, लेकिन हम लोग स्पेशली इसे यूज़ करते हैं हेयर फॉल रोकने के लिए। और वो भी हेयर फॉल उन लोगों में, स्पेसिफिक केसेस में, जिसमें कि स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो और बहुत ज़्यादा स्कैल्प इन्फ्लेमेशन हो। तो ये है निकोटिनामाइड, B3 ग्रुप का मॉलिक्यूल होता है, और हम लोग इसे यूज़ करते हैं हेयर की प्रॉब्लम्स के लिए। ये वीडियो हमारा नो योर हेयर मेडिसिन सीरीज़ में का एक वीडियो है, जिसमें कि हम बालों की दवाओं के बारे में बताते हैं कि जो दवाएं आप ले रहे हैं वो किस तरह से काम करती हैं। निकोटिनामाइड क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का है, और जैसा कि हम जानते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो अगर आप इन्हें ज़्यादा भी ले लेंगे तो ये कोई नुकसान नहीं करते, ये यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएंगे, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये किसी भी एज ग्रुप में, इवन प्रेगनेंसी में भी, किसी भी स्टेटस में लिया जा सकता है। जो डाइटरी सोर्सेज हैं इसके, वो है मिल्क और नॉनवेज, मीट और फिश में ये पाया जाता है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स में और नट्स में, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें यह पाया जाता है। तो अगर आपको अपने बालों को हेल्दी रखना है तो ये सारे डाइटरी सोर्सेज से विटामिन B3 लीजिए। विटामिन B3 की कमी की वजह से हो सकता है आपके हेयर फॉल हो रहे हो, या हो सकता है कि स्कैल्प इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, या स्किन बहुत ऑयली हो, इस वजह से हेयर फॉल हो रहा हो।